रेस्टोरेंट का बेबी कॉर्न पेपर फ्राई तो किसे नहीं पसंद, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा ही हम रेस्टोरेंट जाते हैं। तो ये आज हम बनाते हैं घर पे ही, तो इसे मैंने ट्विस्ट दिया है कि हम बेबी कॉर्न भी यूज़ करेंगे और थोड़े आलू भी यूज़ करेंगे, तो दोनों का डबल मज़ा आ जाएगा घर पे ही। तो ये मैंने बेबी कॉर्न कुछ लिए हैं, तो इसका पहले हम ऊपर का कवर निकाल लेते हैं। बेबी कॉर्न वैसे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है और इसे पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप बॉईल भी कर सकते हो, पर मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने डायगोनली थोड़े कट कर लिए हैं ताकि ज़्यादा पतले भी उसके स्लाइस ना हो और मोटे भी ना हो और फ्राई भी इजीली हो जाए। तो देखो बहुत इजीली ये कट हो जाते हैं। तो ये मैं साइड में रख देती हूँ और हम अभी 4 या 3 आलू ले लिए हैं मैंने। अब उसका मैं पहले छिलका निकाल ले। छिलका निकालते ही हम इसे फ्रेंच फ्राइज की शेप में हम इसे कट कर लेते हैं ताकि हमारे बेबी कॉर्न और आलू वो इक्वली फ्राई हो जाए, क्योंकि सेम हम मिक्स करेंगे तो दो एक ऐसा ना हो जाए कि एक पक गया एक नहीं पका। तो इसे मैं अच्छे से धो लेती हूँ। अब इसमें आप पनीर भी कट करके डाल सकते हो, इवन फ्लावर जो गोभी होती है वो भी आप डाल सकते हो ताकि मिक्स हमारा पेपर फ्राई हो जाए। अब 1 स्पून मैंने नमक लिया है और 1 स्पून भर के मैंने काली मिरी का पाउडर बना के वो डाल दिया। अब 2 बड़े स्पून मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसके जगह मैदा भी डाल सकते हो, बस थोड़ा सा फिर 1/2 स्पून आपको तेल डालना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से फ्राई हो, क्रिस्पी हो। अब थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसे अच्छे से घोल मिक्स कर लिया है और गरम तेल में अब हम इसे फ्राई करते। बिल्कुल पतला सा कोटिंग चाहिए, पकोड़े की तरह उसे हमें भर के नहीं लगाना है। अब इसे मीडियम आंच में अच्छे से फ्राई होने दीजिए। तो ये सफ़ेद ही दिखेंगे क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है या कोई भी प्रिजर्वेटिव कलर्स नहीं डाले हैं। ये फ्राई हो गए, मैं बिल्कुल कम तेल में ही इसे अब फ्राई करते हैं। तो मैंने ले लिया 2 टीस्पून तेल, उसमें हम डालेंगे 2-3 मिर्ची बारीक कटी हुई और 1 स्पून अदरक और लहसुन की दरदरी सी मैंने ये पेस्ट बना ली है। लहसुन अभी अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें डालते हैं 2 बड़े से प्याज। प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें पकाने हैं ताकि वो कच्चापन जो है वो निकल जाए। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ और जो हमने फ्राई करते समय थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर रह गया था पानी में वो भी हम एज अ ग्रेवी डाल सकते हो, या फिर नहीं हो तो 1 स्पून फिर से कॉर्नफ्लावर लो और वो पानी में उसका गोल बना के उसमें डाल दो ताकि थिक ग्रेवी हो जाए। बस 2 मिनट चलाना है। देखो ग्रेवी हो गई है और इसमें हमारे कॉर्न और आलू फ्राई किए हुए हम इसे बस 2 मिनट चला लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस पे धनिया डाल देते हैं और सर्व करते हैं। तो ये पेपर फ्राई आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।